सो गाइज गुड मॉर्निंग। और मम्मी का देखो हो रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है पूरी बड़ा, और कल फास्टिंग था और मैंने भी मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया पूरी, साथ में है ये घुगनी। बना के खिलाती तब ना, मम्मी बोल रही है बना के खिलाओ मम्मी, और खरीद के ला के तो एक ही होता है ना, तुमको मिल गया ना खाना फास्टिंग के बाद। सो हे गाइज वेलकम बैक अगेन। हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है लंच भी मैं नहीं करूँगी, इतना ज़्यादा मैंने कर लिया है। जोक्स अपार्ट, लंच तो करूँगी। और पुष्कर कह रहे थे काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर नहीं गए चाय पीने के लिए, और यहाँ पे वो मेरे घर के जस्ट पीछे वाले जो रोड है मेफेयर वाले होटल के पास, तो मैं वैसे नाइटी पहन के आ गई और पुष्कर बोला तुम कार में रहना, जल्दी जल्दी चलो। और अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा एक चाय देता है और मेफेयर होटल वाले लाइन पे ही मिलता है, सो हम लोग वहीं पे आए हैं। पुष्कर गए हुए हैं, गुड़ वाली चाय पियेंगे। और काफी टाइम हो गया था हम लोग, स्पेशली हम दोनों पुष्कर और मैं बाहर ऐसे अकेले नहीं आए थे। हमारा मी टाइम है, चाय के साथ गप्पे शप्पे करेंगे। और आई थिंक बच्चे होने के बाद आपका जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है मी टाइम वाला, वो थोड़ा सा मतलब यू नो बीच में हो जाता है थोड़ा डाउन, सो बट आपको मौका निकालना पड़ता है। वेट, कॉल आ रहा है। सो आपको मौके की नजाकत को समझ कर आपको वो स्टेप लेना पड़ता है। सो हम लोग भी आ गए हैं, मौका है, दस्तूर है, मम्मी है बेबी के पास, मैंने बेबी को ब्रेकफास्ट करवा दिया है, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग भी निकल जाते हैं। और मेरा हुलिया इतना गंदा है, रात में बहुत हेड में पेन हो रहा था, तो मम्मी ने मसाज दिया और मैं अभी आ गई हूँ वही नाइटी पहन के, आप देख सकते हो कार के अंदर है। मस्त वाली चाय पियेंगे और देखते हैं दिन की शुरुआत करते हैं और आगे का क्या प्लान है। सो यहाँ पे तो कल दोपहर से क्या मस्त मौसम है कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत तेज बारिश भी हो रही है खतरनाक वाली, अब भी थमी है बट मॉर्निंग में फिर से हो रही थी। और आप लोगों को मैं बता दूँ आजकल मैं सुबह उठने लगी हूँ क्योंकि मेरी जो दीदी आती है काम करने के लिए, तो वो दीदी आजकल 6 बजे आने लगी है, तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, सो इट्स गुड। लेकिन पुष्कर उठते हैं 7:30 और बेबी उठती है 8:30, सो हम लोग का इतना बीच में गैप है, सो आई थिंक ये मेरे लिए भी अच्छा है। सो यहाँ पे पुष्कर आ गए हैं और ये देखो क्या मस्त चाय है बॉस, सही में पुष्कर यम यम। सो चाय पियेंगे और देखो कितना सही लग रहा है, एकदम कप वप इन लोगों ने कस्टमाइज करवा के निकलवाया है पुष्कर ये कप, सारे लोग गुड़ वाली चाय एंजॉय करते हैं। तो सो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं और जाना है अभी एक डॉक्टर के पास, और अपॉइंटमेंट हमने ले ली थी बट वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया हमें पता चला जब हम आधा रास्ता पहुंच गए, और नियर बाई एक मॉल है तो चलो वहीं जाते हैं, वहां पे हमारा अपॉइंटमेंट 3 घंटे के बाद है, तो फिर हम लोग 3 घंटे मॉल में अपना टाइम वगैरह एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास इसलिए जाना है बिकॉज मम्मी का कुछ एक फेज पे निकल गया है, वो मैं आपको डॉक्टर के जाके दिखाऊंगी। सो चलो चलते अभी मॉल। और मॉल आओ, और श्री जब भी ये कार देख लेती है ना बहुत ज़िद करने लगती है, तो बस श्री को भी एक ग्राउंड लगवा देते हैं और ये भी मस्त मज़े करेगी। तो फ्रेंड्स हम लोग डॉक्टर के पास आ गए हैं और डॉक्टर देख रहे हैं इसे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा मिनी ऑपरेशन करके वो निकालना पड़ेगा, आप देख सकते हो आँख के नीचे क्या हो गया मम्मी का। सो वीडियो लेना ज़्यादा अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं लिया, और हमारा काम अच्छे से हो गया।
the next day. So guys, good morning. Next day की शुरुआत हो गई है और आज बन रहा है डोसा और मस्त वाली पीनट की चटनी, my favorite. So फटाफट पहले मम्मी को नाश्ता देते हैं और आई होप मम्मी को अच्छा लगे बिकॉज ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है और मम्मी कह रही मैं नहीं खाऊंगी, बट क्या करें, एक्चुअली मम्मी का आदत नहीं था जल्दी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का. सो लेट्स सी मम्मी को अच्छा लगे. ब्रेकफास्ट वगैरह करके पुष्कर को काम में जाना था तो हमने कहा हमें रिलायंस ड्रॉप कर दो बिकॉज घर के कुछ सामान लेने थे. सो ये देख सकते हो आप श्री कितना परेशान करती है. और हम लोगों ने अपना शॉपिंग वगैरह कर लिया, घर के लिए ग्रॉसरी ले लिया और एक न्यू काउंटर खुला है यहाँ पे मोमोज़ का, मैंने सोचा ट्राई करते हैं. और श्री का तो आइसक्रीम मैंडेटरी है, वो दिलवाया उसे. Three,